नेचर सीक्रेट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंबई वड़ा पाव बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे और फिर एक पीनट चटनी बनाएंगे जो कि ड्राई चटनी होती है, और इसके बाद हम वड़े की तैयारी करेंगे। तो इनके लिए जिन सामग्री की आवश्यकता होगी वो इस प्रकार हैं। अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें सबसे पहले अपना बेसन ऐड करेंगे और इसमें चावल का आटा मिला देंगे। बाद इसमें हम नमक, हींग और गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पानी की सहायता से इसका एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर बहुत रनिंग नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा थिक होना चाहिए जिससे कि जब हम इसमें आलू कोट करें तो वो अच्छे से कोट हो सके और उस पर एक थिक लेयर चढ़ सके। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ड्राई चटनी की तैयारी करते हैं जिसको हम वड़े पे ऊपर से लगाएंगे। सबसे पहले अपने मूंगफली के दाने रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम कसा सूखा नारियल भी रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लेंगे और दोनों चीज़ों को ठंडा होने देंगे। अब हम उसी पैन में अपनी लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें अपना सूखा धनिया डाल देंगे, लौंग, काली मिर्च डाल देंगे और लहसुन की कलियां डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मूंगफली के सारे छिलकों को अलग कर लेंगे। जब हमारे मूंगफली के छिलके अलग हो जाएंगे तो इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। मूंगफली जब हमारी अच्छे से पीस जाएंगी तो इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब उसी मिक्सचर जार में हम अपना सूखा घिसा हुआ नारियल, लाल मिर्ची वाला मसाला डालकर अच्छे से पीस लेंगे और इसे भी अपनी मूंगफली के मिक्सचर में मिला देंगे। और इसके बाद इसमें हम अपनी 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे जिससे कि हमारी सूखी चटनी में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, क्योंकि लाल मिर्च तो हमने पहले ही ऐड कर दी है तो इसको हमें बस कलर देना है, इसलिए हम कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, चटनी उतनी ही टेस्टी लगेगी। इसके बाद इसमें हम अपना नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। चटनी के बाद हम वड़े की तैयारी करेंगे। वड़े के लिए हम एक आलू का मिक्सचर तैयार करना होता है। इसके लिए पहले हम एक मिक्सचर जार में अदरक, हरी मिर्ची और करी पत्ते और लहसुन की कलियां डालकर इसको भी मिक्सचर जार में ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे जो कि हम आलू के मसाले में ऐड करेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। उसके बाद उसमें हम राई डालेंगे और हींग डालेंगे और हम सूखा धनिया उसे क्रश कर लेंगे अपने क्रशर से और उसे भी डाल देंगे। सूखा धनिया जो क्रश करके डला होता है उस आलू के मिक्सचर में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। सूखा धनिया डालने के बाद इसमें हम करी लीव्स ऐड करेंगे और इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हींग मिलाएंगे। हींग से वड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो हम इसके बैटर में और आलू के मिक्सचर में दोनों में ही हींग का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने जो करी लीव्स गार्लिक का जो पेस्ट बनाया था उसको भी मसाले में ऐड कर देंगे और अब इसे मसाले में अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें अपना हल्दी डाल देंगे और हल्दी डालने के बाद अपने बॉयल मैश किए हुए आलू डालेंगे और आलूओं को अच्छे से भूनेंगे। आलू जब मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और भुन जाएंगे, इसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छे से आलू मिक्स करने के बाद इसमें कटा हरा धनिया डालेंगे और इस भुने हुए आलू को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। आलू का मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम एक नींबू निचोड़ देंगे और इसे भी अच्छे से आलू में मिक्स करेंगे। ठंडा करने के बाद इसके गोल गोल हम वड़े तैयार करेंगे। वड़े हमें ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं, हमें पाव के अकॉर्डिंग ही इस साइज़ को ध्यान में रखकर छोटे वड़े बनाने हैं जिससे कि पाव के अंदर हम आसानी से अरेंज हो सके, ये बाहर को नहीं निकले। अब हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लेंगे और उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हमने जो रेस्ट करने के लिए बेसन का बैटर तैयार किया था उसमें अपना कटा हरा धनिया और हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने जो आलू के वड़े तैयार किए हैं उसमें बेसन को अच्छे से कोट कर इसे अपने ऑयल में फ्राई होने के लिए रख देंगे। ध्यान रहे हमारा तेल मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अब जब हमारे वड़े अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसे हम एक प्लेट पर निकाल कर अलग कर लेंगे। वड़ों के लिए हमें हरी मिर्ची भी तली हुई चाहिए होती है, उसको भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रहे मिर्ची तलते वक्त हमारी मिर्ची बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी का बिल्कुल अंश नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फट सकती हैं। तो मिर्ची तलते वक्त बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अब हम अपने पाव को ले लेंगे, उसे बीच से कट करेंगे जैसे कि मेरी वीडियो में दिखाई दे रहा है और इसमें अपनी पीनट ड्राई चटनी पहले हम लगाएंगे और उसे हम वड़ा और हरी मिर्ची के साथ अरेंज करेंगे और ऊपर से टूथपिक लगाकर अपने वड़े को तैयार कर लेंगे। वड़े बनकर बिल्कुल तैयार है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।